हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये ब्यूटीफुल प्लांट्स सिल्वर कलर का, ये है डस्टी मिलर या सिल्वर डस्ट, और ये कलर देता है बहुत सारा गार्डन में, बहुत इजी टू केयर है। आज हम लोग इसका प्रोपोगेशन बाय कटिंग देखते हैं कैसे लगता है। बहुत इजीली ये प्रोपोगेट हो जाता है बाय कटिंग। इसकी केयर भी बहुत सिंपल है, बहुत खूबसूरत लगता है। पेरिनियल प्लांट है, आपके पास पूरे टाइम रह सकता है। बस शर्त यह है आप पानी बहुत ज़्यादा ना डालें, ये पानी से बहुत जल्दी ख़राब होता है। रूट रॉट होती है इसमें और एकदम प्लांट एकदम रूट रॉट से ख़त्म हो जाता है। तो आज देखते हैं इसको, ये बुशी भी हो जाएगा क्योंकि देखिए इसमें ब्रांचेस आई हुई हैं, इसीलिए क्योंकि एक बार इसको यहाँ से प्रून किया था। तो अब हम लोग इसको थोड़ा कट करके प्रोपोगेट करते हैं। एक ये वाली टहनी है, इसको काटते हैं। ये है ये वाली टहनी ली हम लोग ने, इसके नीचे की लीव्स जो हैं इनको कट कर देंगे और कटिंग तैयार करेंगे। ये सारी जितनी भी एक्स्ट्रा है इनको सबको निकाल देते हैं। ये भी अब ये स्लांट कट है, यहाँ से यहाँ पर नोड है और यहीं से इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी। और पॉटिंग सॉइल के लिए मैंने 50% गार्डन सॉइल लिया है इस बार और 50% कोकोपीट लिया है। बस इसको इसमें डिप करेंगे। ये रूटिंग हार्मोन है, अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप इसमें डाल सकते हैं सिनेमन पाउडर, हनी या एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। ये हम लोग ने कटिंग इसकी लगा दी है, अब इसमें वाटरिंग कर देंगे और इसको शेड में रखेंगे। ये पानी में भी प्रोपोगेट हो जाता है, जैसे ये मैंने कोलियस प्रोपोगेट किया हुआ है और इसको इजीली अब बहुत सारी रूटिंग हो गई है। आज मैं इसको इसमें लगा देती हूँ, तो चले देखते हैं कि कैसे इसको लगाते हैं। ये पॉटिंग सॉइल नॉर्मल है, कोलियस की कटिंग लग चुकी है। इसके लिए मैंने लिया है एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट कोकोपीट, एक पार्ट सैंड, एक पार्ट काउडंग मैन्योर और थोड़ा सा मैंने लीफ मोल्ड लिया है। साथ में मैंने लिया है नीम खली, बोन मील और फंगीसाइड। अब बस लग चुका है, इसमें पानी डालेंगे और इसको कुछ दिन के लिए शेड में रख देंगे। ऐसे ही इसको भी हम लोग पानी में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सिंपल मेथड है, इसको हम लोग यहाँ से एक शूट लेते हैं, इसके नीचे की हम लोग ये हटा देंगे। अब ये कटिंग ली है हम लोग ने और कटिंग को इसको तो सॉइल में प्रोपोगेट करेंगे, इसको हम लोग पानी में प्रोपोगेट करेंगे और देखते हैं कितने दिन में इसमें रूटिंग हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं कुछ दिनों बाद, जब इसमें डस्टी मिलर में प्रोपोगेशन बाय सैंड, बाय वाटर और सॉइल दोनों में कैसे प्रोपोगेशन होती है। अब हम लोग शॉर्ट में इसकी डस्टी मिलर की या सिल्वर डस्ट की केयर देख लेते हैं। इसकी केयर ये है कि इसकी लोकेशन और इसकी वाटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि इसको पानी बहुत ज़्यादा, खड़ा पानी एकदम भी नहीं पसंद, और जब तक टोटली ड्राई ना हो, जब तक एकदम भी पानी ना डालें। ये पानी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ कि इसमें रूट रॉट बहुत जल्दी होता है। तो लोकेशन इसकी आप विंटर्स में तो कहीं पर भी रख सकते हैं ब्राइट लाइट में, मगर जब समर्स होती है तब थोड़े इसको शेड प्रोवाइड करें मई जून की गर्मी में। और इसको बहुत छोटे गमले में लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये करीब 2 फीट तक टॉल हो सकता है। और अगर राइट पॉटिंग सॉइल हो, राइट एनवायरनमेंट मिले, पॉटिंग सॉइल इसकी मैंने ली है वेल ड्रेनिंग सॉइल के लिए, एक पार्ट गार्डन सॉइल, एक पार्ट मैंने लिया है इसमें कोकोपीट, एक पार्ट मैंने लिया है काउडंग मैन्योर, एक पार्ट लीफ मोल्ड और एक पार्ट सैंड लिया है ताकि बहुत अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल बने। फंगीसाइड डाला है और बोन मील और नीम खली साथ में डाली है ताकि न्यूट्रिशन भी स्लो रिलीज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है इसमें। और नाइट्रोजन के लिए इसमें लीफ मोल्ड भी है, काउडंग मैन्योर भी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इन्फेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाती है, मिली बग्स का अटैक होता है, बहुत टेंडर इनकी स्टॉक स्टेम्स होती हैं, चेक करते रहिए। प्रिवेंटिव अगर नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं डाइल्यूटेड एकदम, 1 लीटर में कुछ ड्रॉप्स नीम ऑयल डाल के,
तो ये प्रिवेंटेड रहते हैं। और मार्च अप्रैल में इसमें बहुत इन्फेस्टेशन होती है गार्डन में, तो ज़रा इनका ध्यान रखें, चेक करते रहें। अगर थोड़ी भी इन्फेस्टेशन हो तो उसी टाइम इसको, कुछ नहीं है तो खाली साबुन के पानी से इसको वॉश आउट कर दें। फर्टिलाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत हाई फीडर नहीं होता है ये, तो आप इसको जैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र फेब में डालते हैं वो डाल दीजिए, उसके बाद इसको आराम से ग्रो करने दीजिए। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत इसको नहीं है, लिक्विड फर्टिलाइज़र फेब मार्च में अगर डाल दिया है तो। अब इसका हम लोग देखते हैं प्रोपोगेशन, वो मैंने आपको दोनों प्रोपोगेशन दिखाए हैं, अब मैं अपडेट के साथ दिखाऊंगी ये इसको। डस्ट की हम लोग ने कटिंग बनाई थी और इसको अपडेट दिखाती हूँ। इसका अपडेट ये दो जगह मैंने लगाया था, एक तो ये छोटे से पॉट में मिट्टी में लगाया था, ये लग चुका है और इसमें ग्रोथ भी शुरू हो गई है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। और जो ये पानी में लगाया था ये अभी एक्चुअली में इसमें रूटिंग नहीं हुई है, काफ़ी टाइम हो गया है और ये अब गल भी गया है। तो पानी में इसकी रूटिंग सक्सेसफुल मेरे से नहीं हुई है, मैं ज़रूर दोबारा ट्राई करूँगी। और ये वाला सक्सेसफुल हो गया है सॉइल वाला, और अब ये वाला निकाल के मैंने फेंक दिया है क्योंकि ये गल चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।